अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम लोग लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉलिकुलर बायोलॉजी का, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब भी मॉलिकुलर बायोलॉजी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप पढ़ते हो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, और इस पर आपका जब आप एज अ नोट्स BSc की बनाते हो तब भी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है 2 मार्क्स में। और इस पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जितने भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जैसे अभी NEET 2021 का अगर एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिले हुए थे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस इससे आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या आ चुके हैं उसको भी हम लेकर के थोड़ा सा डिस्कस करते हुए यहाँ पर इस टॉपिक को समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस बन सकने की प्रोबेबिलिटी है वो भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। तो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी क्या है, कैसे गवर्न होता है, सिर्फ हम लीनियर फॉर्म पढ़ लेते हैं उससे नहीं काम चलेगा, हमें इस पर साइक्लिक स्ट्रक्चर भी फॉर्म हुआ, फिर कैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का रोल आया, क्या नाम है, किस एंजाइम की मदद से ये चीज़ें होती हैं, फिर जब हम सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ लेंगे कि ये है क्या बेसिकली, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस यहाँ पर करेंगे लाइन बाय लाइन। वो एक चैप्टर है आपका DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। आप क्लास 12th में अगर देखो तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 6 में आप लोग ये पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन कंबाइनली पढ़ते हो, लेकिन बाद में जब आप BSc में जाते हो तो वो चैप्टर क्या हो जाते हैं, सेपरेटिव हो जाते हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ पर लेक्चर पढ़ेंगे वो है आपका सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। इससे नीट में क्वेश्चन भी क्या पूछे गए, इससे नीट में 2 क्वेश्चन पूछे गए और दोनों 2021 का ही क्वेश्चन है, लगातार एक साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो हम यहाँ जिक्र भी करेंगे प्लस पढ़ेंगे भी ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी जो है उसको डिस्कवर किसने किया था। तो हम लोग फ्रेडरिक क्रिक थे जिन्होंने 1958 में इसको प्रपोज किया था, राइट। और हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो सेंट्रल डोगमा है वो 2 तरह से एक्चुअल में उसकी डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहें एज अ BSc में भी पूछ लेता है 1 मार्क्स में, या वायवा में भी आपसे पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आप बताओगे कि द बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये एक बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये केमिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है ना फिजिकल इन्फॉर्मेशन है, ये एक बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है जो आपका DNA से RNA के फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है, देन RNA से प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए 2 तरह से हम पढ़ेंगे यहाँ पर, एक आपका क्या होता है लीनियरली सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, एक क्या है आपका सर्कुलर, और तो हम और एक होता है रिवर्स। 3 टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कि यूनिडायरेक्शनल, मतलब यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब जब हम DNA से क्या बनाएंगे, DNA बना रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम कहेंगे ये क्या है, अभी बताते हैं, ये DNA से DNA, देन फिर क्या बनाते हैं RNA, देन क्या बना रहे हो आप प्रोटीन, ठीक है, यही चीज़ बन रही है, ठीक है बेटा, यही बात यहाँ लिखी गई है। द बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम द फ्रॉम DNA टू RNA फ्रॉम देयर द 2 proteins, राइट। तो आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, DNA से DNA बन रहा है। तो ये एक आपको किस तरह का फ्लो देखने को मिलता है, ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि एक आप पढ़ोगे यूनिडायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। 2 तरह से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में लीनियरली चला जा रहा है, ठीक है। जैसे आप ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल पढ़ते हो तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जो ग्लाइकोलिसिस है वो एक लीनियर प्रोसेस है, लेकिन अगर वही हम पढ़ते हैं क्रैब साइकिल तो क्रैब साइकिल साइक्लिक प्रोसेस है, तो दोनों में डिफरेंस है ना। एक साइकिल में क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस, नॉन साइक्लिक साइक्लिक रिएक्शन, तो नॉन साइक्लिक का मतलब कि वो एक बार जा रहा है तो वापस नहीं आएगा, ठीक है, और साइक्लिक का मतलब क्या होता है, एक बार यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो वापस से फिर यहीं पर आएगा, तो वो क्या होता है साइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, DNA से DNA बनने के प्रोसेस को हम कहते क्या है, रेप्लिकेशन। पहले तो हम प्रोसेस समझ लें, और यहाँ पर इस ये जो प्रोसेस हो रहा है वो एक ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी, ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी, ये ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होती है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। देन DNA से RNA बनना, यहाँ स्पेशली हम एक्चुअल में जो RNA यहाँ पर बात करेंगे वो मैसेंजर RNA होता है, क्योंकि मैसेज आता है, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है हमें। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, है ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। देन mRNA से जब प्रोटीन बनती है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, यही कहते हो, ठीक है।
ये अरेंज करने को दिया जाता है, देन ट्रांसलेशन हो जाने के बाद आपका प्रोटीन बनता है। बाद में आप जब थोड़ा हाई लेवल में पढ़ोगे तो अब आप पढ़ोगे रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर आपका क्या बनता है ट्रांसलेशन, देन प्रोटीन बनती है, फिर क्या होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, मतलब प्रोटीन में मॉडिफिकेशन किया जाता है। जैसे स्टोन प्रोटीन हम लोग पढ़े थे ना, तो स्टोन प्रोटीन में मॉडिफिकेशन, तो आपका ये अभी इनकम्प्लीट है। बाद में एज अ फ्यूचर आप क्या पढ़ोगे, डीएनए टू से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद क्या आएगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद क्या होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, देन फिर प्रोटीन जिसको ट्रांसलेशन कह रहे हो, फिर क्या होगा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से एक्चुअल में सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी की हम बात करते हैं। ये जो है ट्रांसक्रिप्शन, ये कौन सी एक्टिविटी है, हेट्रो कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, ये हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी। अब यहाँ पर हम एक एक करके, ये किस तरह का फ्लो आपको देखने को मिल रहा है, यूनी डायरेक्शनल। हमेशा भी मैंने साइक्लिक की बात नहीं की है, ये यूनी डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो यूनी डायरेक्शनल। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑटो का, मतलब जब भी कहीं भी ऑटो वर्ड आए, चाहे वो ऑटो का कहीं भी आ जाए, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो तो ऑटो, आप पढ़ोगे फॉस्फोराइलेशन में तो ऑटो फॉस्फोराइलेशन, तो आप फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऑटो कैटल, आपका ऑटो कैटालिटिक वो भी एक आप बोल सकते हो, क्योंकि खाना वो खुद बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हो वहाँ पर, तो फोटो मतलब लाइट, ऑटो मतलब खुद से, और ट्रॉप्स मतलब फोटो ऑटोट्रॉप्स, वहाँ फोटोसिंथेसिस में खाना वो खुद से बना रहा है, इसीलिए वहाँ पर भी फोटो ऑटोट्रॉप्स कह रहे हैं लाइट के प्रेजेंस में। ऑटो का मतलब जब भी आएगा, यहाँ याद रखिएगा सेल्फ, जब भी बात करेंगे ऑटो की तो यहाँ पर हमेशा आएगा सेल्फ, मतलब खुद से। यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन, अभी तो प्रोसेस पढ़े ना कि डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन, लेकिन ये प्रोसेस अपने आप तो होगा नहीं, किसी न किसी एंजाइम की हमको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा आता है, जिसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है। जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो कौन सा एंजाइम आता है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो वहाँ हमें कौन, किसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है, राइबोसोम, वहाँ राइबोसोम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपको मिलेगा, क्योंकि राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री है और प्रोटीन बनाने में वही मदद करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ठीक है, ये डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को पहले बताइए क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, और इस प्रोसेस में हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। अब क्वेश्चन जो नीट में आया था वो डीएनए पॉलीमरेज पे क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज का एक और दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर आप बताइए डीएनए यहाँ पर किस पर डिपेंडेंट है, बताइए डीएनए यहाँ पर किस पर डिपेंडेंट है, तो डीएनए यहाँ खुद ही पर डिपेंडेंट है, इसीलिए तो ऑटो कह रहे हैं सेल्फ, अपने आप पे ही डिपेंडेंट है, तो इसीलिए कहा जाता है ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी, मतलब ये जो एक्टिविटी हो रही है ये खुद से हो रही है, मतलब ये जो डिपेंडेंट है वो खुद पर ही डिपेंडेंट है, तो इसीलिए कहा जाता है जब डीएनए खुद पर ही डिपेंडेंट है तो उसको हम कहते हैं, उस एंजाइम को हम लोग कह सकते हैं एक और नाम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, मतलब ये पॉलीमरेज एंजाइम डायरेक्टली हम बोलेंगे, लेकिन ये तो नॉर्मल हो गया ना, तो नीट में जो क्वेश्चन आया था वो यहाँ से आया था। ठीक है, कि आपका ये जो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, और ये आपको मैंने हर चीज़ बताया है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो आप बताएंगे सेल साइकिल के किस फेज़ में, बताइए सेल साइकिल के एस फेज़ में होता है कि नहीं, सेल साइकिल के एस फेज़ में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए का अमाउंट कितना हो जाता है, 2N4C, सब पढ़ा हुआ है हम लोगों ने पीछे की क्लासेस में। ठीक है, कितना रेप्लिकेशन कहाँ होता है डीएनए का, सेल साइकिल के इंटरफेज के एस फेज में होता है। ठीक है, जिसको हम सिंथेटिक फेज कहते हैं, तो सिंथेटिक फेज इसीलिए कहते हैं, और वहाँ पर जो डीएनए का अमाउंट है, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो क्या बन गया, डीएनए से वापस से डीएनए बन रहा है। ठीक है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो डीएनए से डीएनए बनने पर जब डीएनए बना था तो 2N2C था, जब वापस से बना तो 2N2C हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 2N4C। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, फिर से रिवीजन हो गया आपका अच्छा खासा। ठीक है, तो यहाँ पर 2N4C, अब यही G2 फेज में भी जाएगा 2N4C। ठीक है, तो अब ये डीएनए डिपेंडेंट जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है बेटा, तो वो हम किसको कह रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज। अब ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, देखो रेप्लिकेशन तो एस फेज में होता है, ठीक है, लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि हमें रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, मैंने आपको वहाँ भी पढ़ाया था, तो ये आपका किस फेज में बन जाता है, G1 फेज में।
क्यों जीवन फेज में बना, बल्कि रेप्लिकेशन हम तो एस फेज में करा रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब कोई गेस्ट आने वाला होता है, राइट, जब कोई गेस्ट आने वाला होता है तो पहले से हम खाना बना करके रखते हैं कि इतने गेस्ट आ रहे हैं, और हम खाना थोड़ा सा ज़्यादा बना करके रख देते हैं, ठीक है, खाना हमने प्रिपेयर पहले से कर रखा है। तो जब रेप्लिकेशन एस फेज में होने वाला है तो आपको पता है कि जीवन फेज पहले आता है, जीवन पहले आता है, देन क्या आता है, एस, देन जी टू, देन एम फेज आता है। तो जीवन फेज में हम पहले से क्या बना के रखी है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमने पहले से प्रिपेयर कर लिया। देन एस फेज में हमने क्या करा लिया, पहले से प्रिपेयर खाना था तो हमने इजिली अपना सर्व कर लिया, ठीक है, और नाश्ता क्लियर करा उनको, भाई खा लिए वो नाश्ता। तो यहाँ पर वही चीज़ याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमारा जीवन फेज में बनता है, पहले से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, बाद में नहीं होता, ठीक है, रेप्लिकेशन के दरमियान नहीं बनता, ये रेप्लिकेशन के पहले बनता है जीवन फेज में, ठीक है। क्यों ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी कह रहे थे, अब यहाँ पर याद नहीं करना पड़ेगा, इसका दूसरा नाम आपको याद मेमोराइज करना ही नहीं है, आपको क्या याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, सिंपली आपने ये याद कर लिया। अब यहाँ पर डीएनए किस पर डिपेंडेंट है, भाई खुद पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कह रहे हैं। अगर यहाँ डीएनए डिपेंडेंट नहीं होगा तो हम दूसरा नाम से देखेंगे जो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, रेप्लिकेशन एक तरह की फोटोकॉपी वाली प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए आपने किसी का कॉपी लिया और उसको बोला जेरॉक्स कर दीजिए, तो वो फोटो स्टेट पे क्या निकलती है, उतनी ही पेज की, उतनी ही लाइन की, उतनी ही सब कुछ निकलती है। तो रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, जितना आपका डीएनए का अमाउंट था 2N2C था, फिर दोबारा जो डीएनए बना उसमें भी क्या होगा, 2N2C ही होगा, तो एग्जैक्ट कॉपी होती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने क्वेश्चंस बनते हैं मैंने वो डिस्कस किया, आपको बताया, ठीक है, कि ये क्या है, कैसे बनता है, किस फेज में बनता है, कहाँ बनता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आपका क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ आपका क्या है, डीएनए से क्या बनेगा, जब एमआरएनए, जब आप ट्रांसक्रिप्शन में आप क्या बना रहे हो, डीएनए से क्या बना रहे हो, एमआरएनए बना रहे हो, ठीक है बेटा, जब डीएनए से एमआरएनए, और रेप्लिकेशन में हम क्या बना रहे थे, डीएनए से हम क्या बना रहे थे, वापस से हम डीएनए ही बना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर इस प्रोसेस को जब डीएनए से एमआरएनए बनता है या आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। अब ये ट्रांसक्रिप्शन जो है, यहाँ पर ये जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आप क्या बोलोगे कि इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए कोई ना कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे यहाँ डीएनए पॉलीमरेज था, यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसको हम क्या कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का नाम सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज नहीं है, अब आप यहाँ पर सिंपली इसका दूसरा नाम क्या बताओगे, कि यहाँ पर बताइए ये आरएनए या एमआरएनए जो बना है आपका, वो कैसे बना है, कि अपने आप से बन गया, नहीं ना, उसको बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका डीएनए। तो ये एमआरएनए किस पर डिपेंडेंट है, डीएनए पर डिपेंडेंट है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है, ये खुद पर डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी और पर डिपेंडेंट, और वो कौन है, डीएनए। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये इसका क्या है, दूसरा नाम है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा डीएनए पॉलीमरेज। जब भी क्वेश्चन आया नीट 2021 का जो क्वेश्चन है, आप वहाँ पर जाकर खोल के देखो, इसको पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करना, आपसे दोनों क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज अ एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एंड आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज यूज इन अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो ये एक हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, जब डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ पर डिफरेंट क्या है भाई, एक डीएनए और एक आरएनए है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट, इसलिए हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी है। ये ऑटो क्यों, क्योंकि ये खुद सेल्फ है, खुद को यहाँ पर डीएनए से डीएनए ऑटो ही है, खुद से बना रहा है, तो इसीलिए ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो होप सो आपको ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी, डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज समझ आया होगा। अब एमआरएनए से हम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और प्रोटीन की क्या हो रही है, आपकी सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस करने वाला प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और उसमें कौन हेल्प करता है, आपका राइबोसोम। जब आप डिटेल में सारे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आएगा, जब रेप्लिकेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ हम जानेंगे कि जो रेप्लिकेशन होता है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू तो होता है,
लेकिन जो रेप्लिकेशन होता है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। मतलब हो सकता है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक पॉलीमरेज एंजाइम नहीं है, टोटल आपको 5 डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनमें से मेन रोल जो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम का देखने को मिलेगा। जब आप आरएनए पॉलीमरेज की बात करोगे तो आरएनए पॉलीमरेज इन केस ऑफ यूकैरियोट और इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट के लिए हमें सिंगल आरएनए पॉलीमरेज से ही हमारा तीनों आरएनए बन जाएगा, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। लेकिन जब हम बात करेंगे यूकैरियोट की तो यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आपके 5 तरह के आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं जो अलग अलग आरएनए आपको बनाते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ पर ये सब डिफरेंस आपको बताएंगे, जिस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और बनते रहेंगे। मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे दूसरी चीज़। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आप ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, अब ये वापस से प्रोटीन से क्या बन जाए, ये आपका क्या हो जाए, वापस से प्रोटीन से क्या आप बनाओ आरएनए, और आरएनए से आप क्या बना दो, वापस से डीएनए बना दो, ठीक है। तो ये किस तरह का इवेंट देखने को मिल रहा है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से आरएनए, फिर डीएनए, ठीक है। तो ये एक क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, जिसको कैनमोर ने 1968 में क्या किया था, प्रपोज किया था। तो ये एक क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस क्यों होता है, क्यों हम आरएनए से वापस से डीएनए बना रहे हैं, ये क्यों किया जा रहा है, ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ पर ये चीज़ें ड्रॉ कर रखी हैं, अब हम लोग एक बार और बना लेते हैं। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं कि डीएनए से क्या है हमारा आरएनए, देन आरएनए से हमारा प्रोटीन, प्रोटीन से हमारा क्या है बेटा वापस से आरएनए, देन हमारा वापस से डीएनए। तो ये क्या है, आपका साइक्लिक इवेंट है, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपका साइक्लिक इन्फॉर्मेशन की बात दूसरी है, ठीक है, और यूनिडायरेक्शनल जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, लीनियर यूनिडायरेक्शनल, वहाँ पर हम लोगों ने दूसरा चीज़ देखा। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें क्यों की गई हैं, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर टेमिन एंड बाल्टीमोर दो साइंटिस्ट थे। टेमिन ने 1970 और बाल्टीमोर ने भी 1970, दोनों ही साइंटिस्ट ने मिल करके ये रिपोर्टेड ये किया कि डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए वायरसेस हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, फॉर एग्जाम्पल रॉस सार्कोमा वायरस जिसको RSV वायरस भी कहते हैं, ठीक है, थीके? और कुछ रेट्रो वायरसेस, जितने भी रेट्रो वायरसेस हैं जैसे HIV वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, TMV, ये सब सभी वायरसेस जो हैं वो सभी क्या हैं, आपके रेट्रो वायरसेस हैं। तो ये सभी जो आपका, ये जो आपका इवेंट ऑपरेट करते हैं वो आपका क्या है, ऑपरेट जो करते हैं वो क्या करते हैं, सेंट्रल डोगमा को रिवर्स कर देते हैं, मतलब रिवर्स हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वापस, ये अभी यूनिडायरेक्शनल जा रहा था ना, डीएनए से हमारा आरएनए, आरएनए से हमारा प्रोटीन बन रहा था, तो ये यूनिडायरेक्शनल था। लेकिन ये जो रिवर्स हो रहा है कि वापस से आरएनए से क्या बनाया जा रहा है, वापस से आरएनए से हमारा डीएनए बनाया जा रहा है। और ये क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ वायरसेस में ऐसे इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जब ये डीएनए से क्या बनने लगा, वापस हमारा क्या बनने लगा, आरएनए से वापस डीएनए का डीएनए बनने लगा, तो इस प्रोसेस में एक एंजाइम रिवर्स हो रहा है, बैक हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, बैक प्रोसेस है। इसीलिए कहा गया है ये सेंट्रल डोगमा क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है, एक साइक्लिक हुआ, एक यूनिडायरेक्शनल हुआ, एक क्या आपको देखने को मिल रहा है, रिवर्स। तो ये जो रिवर्स वाला है ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है, कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एज आ रहा है ना, ये अपने आप से थोड़ी ना हो जाएगा, जैसे सारे के लिए आप डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, तो बैक जाने के लिए आपको क्या चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चाहिए। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो प्रोसेस कर रहा है उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, खैर आप लिख दे रही हूँ, इस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हो, ये किसकी मदद से हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, और ये प्रोसेस क्या है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोसेस क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जैसे हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं, तो ये बैक जा रहा है ट्रांसक्रिप्शन के, तो हम इसको क्या कहेंगे, रिवर्स जा रहा है ट्रांसक्रिप्शन के, तो आप इसको बोलते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
और इसके लिए जो एंजाइम आपको रिक्वायर्ड है वो आपका क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये आपका एग्जाम्पल है, आप कुछ वायरसेस में देखने को मिलता है, जैसे आपको रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल HIV वायरस हो गया, कोरोना वायरस, उनमें ये क्या देखा जाता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि RNA से वापस क्या बनता है आपका DNA, ठीक है। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसको हम लोग एक और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग एक और नाम देते हैं, टेमिनिज्म, ठीक है। इसी को आप क्या कहते हो, टेमिनिज्म, है ना। टेमिनिज्म क्यों कहते हो, क्योंकि किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, टेमिन ने, इसीलिए टेमिनिज्म भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो ये आपका पूरा आपका क्या था, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो हमें ये पता चला कि जब यूनिडायरेक्शनल होगा तो हम क्या कहेंगे, बाई डायरेक्शन आपका, जब हम लोग बोलेंगे कि साइक्लिक इवेंट है तो क्या हो रहा है, और ये साइक्लिक इवेंट क्यों हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कंडक्ट करने के लिए हुआ, मतलब बैक जाने के लिए, सेंट्रल डोगमा को रिवर्स करने के लिए, ठीक है। तो रिवर्स करने के लिए हम यहाँ जो एंजाइम यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आपका एक नीट में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था कि DNA से RNA, ये आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना था। तो आप याद रखोगे DNA से क्या बनता है RNA, RNA से क्या बनती है हमारी प्रोटीन, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि क्या चीज़ें कैसे कंडक्ट हो रही हैं, किस मॉलिक्यूल के थ्रू हो रही है, किसने किया, किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, किस साइंटिस्ट को किस नेम से जाना जा रहा है, टेमिनिज्म। तो ये चीज़ आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को पढ़ने के बाद अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इजीली क्वेश्चंस लग जाएंगे, ठीक है। आप सॉल्व करके देखना, जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो वो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।